जब मीना कुमारी ने कहा था मुझ में और वैश्या में क्या फर्क। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में मीना कुमारी का नाम भी शामिल है। करीब 19 साल की उम्र में मीना ने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की थी। दोनों का प्यार उस समय परवान चढ़ा था जब मीना का एक एक्सीडेंट हो गया था और उनका हालचाल जानने कमाल मुंबई से पुणे गए थे। ये बात मीना को पसंद आई थी। आगे जाकर दोनों ने चोरी छिपे साल 1992 में निकाह कर लिया था। मीना जहां एक समय अपने फिल्मी करियर में शिखर पर थी, तो वहीं कमाल को मीना का फिल्मी दुनिया में भी काम करना पसंद नहीं आ रहा था। इस बात से मीना बेहद खफा हुई और उन्होंने कमाल का घर छोड़ दिया। इसके बाद कमाल ने मीना को तलाक दे दिया। दूसरी ओर मीना लिवर कैंसर का शिकार हो गई थी। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन कमाल ने मीना को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने का मन बनाया। मीना भी दोबारा निकाह के लिए राजी हो गई। कमाल से दोबारा शादी करने के लिए मीना को हलाला से गुजरना पड़ा और उन्होंने मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान से शादी की थी। इसके बाद फिर उनका निकाह कमाल अमरोही से हुआ। मीना ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया, तो मुझमें और वैश्या में क्या फर्क रह गया।